तो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है फंक्शन है 0 to 1 to r बी ए कंटिन्यूस फंक्शन सच दैट दिस इंटीग्रल एंड दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 दे रखा है अपन को। तो अपन को ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर का जो इंटीग्रल है 0 to 1 वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगी। तो यहाँ पर अगर अपन एक चीज देखे तो जी ऑफ एक्स एक फंक्शन मानता हूँ मैं जो कि है 6x-2, ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है एंड यहाँ पर इसका तुम 0 to 1 में इंटीग्रल करोगे 6x-2 का, तो ये क्या आएगा 6x²/2-2x। तो ये आएगा तुम्हारे पास 3x²-2x, लिमिट पुट करोगे तो 1 आएगा, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 0 to 1। यहाँ पर एक्स एफ ऑफ एक्स करके देखो तो 6x²-2x का, तो 6x²/(x³)/3-2x²/2, 0 to 1। सो ये तुम्हारे पास क्या आएगा अगर तुम करके देखोगे तो यहाँ पे बनेगा 2x³-x²(0 to 1) और वो फिर अपना आंसर बन आ जाएगा। सो मतलब जी ऑफ एक्स फंक्शन है जो अपन ने ये माना था वो भी सेम टाइप की कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि 0 to 1 इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स सेम है यहाँ पर 0 to 1 इंटीग्रल ऑफ 6x-2 dx। तो इसको कुछ अपन जी ऑफ एक्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 to 1 एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का ये जो इंटीग्रल है वो 0 है एंड वैसे ही 0 to 1 जो x टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होगा उसका इंटीग्रल भी यहाँ पर 0 हो जाएगा, सेम चीज। तो ये दो कंडीशन आ गई अपने पास। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जी ऑफ एक्स अपना 6x-2 है ना, सो यहाँ पे एक चीज बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर इसको तुम अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दो ये तुम्हारा हो जाएगा 6x एंड ये एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स का जो इंटीग्रल 0 to 1 है वो यहाँ पर तुम्हारा 0 आ जाएगा और इसको तुम -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 to 1 -2 times एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल भी तुम्हारा 0 आ जाएगा। और अब इन दोनों को ऐड कर दो तो दिस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल 0। सो ये तुम्हारा जी ऑफ एक्स ही है, जी ऑफ एक्स एंड ये एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स ये 0। तो एक ये चीज आ गई अपने पास। तो ये चीज आने के बाद अब तुम इस चीज पे फोकस करो कि 0 to 1 जो अपना एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का ये जो होल स्क्वायर है डी एक्स, ये इंटीग्रल तो ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा, ये तो अपन बता सकते हैं। 0 कब आएगा जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो जाएगा, नहीं तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एंड माइनस जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल दो अलग अलग पार्ट में मैं कर सकता हूँ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अभी अपन ने देखा कि ये वाली जो चीज है वो तो 0 के इक्वल है, तो इसको तो अपन हटाते हैं तो 0 हो गया अपना। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये अपने पास क्या बचा 0 to 1 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स जो अपन को चाहिए था, माइनस 0 to 1 एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स की जगह तो मैं 6x-2 पुट कर सकता हूँ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर तुम देखो तो 0 to 1 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस 6 times इंटीग्रल 0 to 1 एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो इंटीग्रल है तुम्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें 1 दे रखा था, वो अपन यूज करेंगे यहाँ पर। सो ये तो 1 हो जाएगा अपना प्लस 2 times इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी तुम्हें 1 दे रखा था तो बचा क्या, तो 0 to 1 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस 6+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 to 1 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यही अपन को प्रूव करना था यहाँ पे। सो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।